बेटा नहीं है आज तुम्हारा? जी आज उसकी क्लास थी। आप क्यों पूछ रही हैं? कपड़े तो मिल गए थे ना आपको सारे? हाँ कपड़े तो मिल गए थे, वही देकर गया था। ये तुम्हारा वही बेटा है ना जो हसन की मंगनी के दौरान तुम्हारे साथ आया करता था? जी जी वही जकी है, एक ही तो बेटा है मेरा। उस वक्त वो 18 साल का था, हसन का हम उम्र है। अजमिया वो उस वक्त 12-13 साल की थी। हाँ हाँ याद है मुझे, लेकिन अब उसे बता दो कि अजमिया बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। बचपन में साथ खेला करते थे ना, अब अजमिया की शादी हो रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अपने बेटे की तरबियत कैसे की है। क्यों, क्या किया है जकी ने? क्या किया है उसने? ये देखो ये किया है उसने, ये सुई नजर आ रही है? तुम्हारे बेटे ने अजमिया की शर्ट में सुई फंसा के भेजी थी ताकि जब वो पहने तो उसे चुभे। ये शर्ट तो मैंने सी थी, ये सुई गलती से रह गई होगी। जकी तो बच्ची को आपके पास छोड़ने के बाद चला गया था, उसने तो इस शर्ट को हाथ भी नहीं लगाया। आपका बाकी सारा काम मैंने खुद किया था। जकी, देखिए हम शरीफ लोग हैं, जकी की अपनी भी एक जवान बहन है, वो ऐसी ओछी हरकतें क्यों करेगा? अच्छा तो फिर वो हमारे घर आके अजमिया को फरदीन से शादी ना करने का मशवरा क्यों दे रहा था? लकी ने? हाँ जकी ने, मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ आइंदा वो अजमिया के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं उसे कहूंगी, वो खुद आपसे माफी मांगेगा। उसकी जरूरत नहीं है, बस उसे कह देना कि आइंदा अपनी हद में रहे। हाँ हसन बेटा बोलो। अब हाँ मैं यहाँ टेलर के पास आई हूँ, हाजरा के पास, बस बस अभी निकल रही हूँ। ठीक है बेटा, समझा देना उसे।